अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरादरान मिल्लत, मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो जिस चाबी का ज़िक्र करता हूँ, वो कई दोस्तों ने कहा जी कि ऑडियो पर भेज दें, वहाँ से उनकी चाहत का पता चल गया कि उनको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। जो एक चीज़, एक ख़ज़ाना, एक हीरा लेने के लिए आदमी टेलीफोन नहीं कर सकता, वो फिर क्या उससे एक्सपेक्टेशन होती है। होना तो ये चाहिए कि जब आपको अल्लाह का कहीं से ऐसा हो तो आप रश कर सारा कुछ छोड़ दें कि यार यहाँ से कोई चीज़ मिलने वाली है, जैसा फिर उसके लिए आपको कोई तकलीफ़ भी ना हो, आप मैसेंजर पे या इस पे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो घर में अपने बैठे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाने से तलक रखती होती हैं, बयान करने से उसमें वो ना तो आदमी वो इम्प्रेशन दे सकता है ना वो ऐसे एक्सप्लेन होती हैं। लेकिन चलो, मेरा फ़र्ज़ है अल्लाह के हुक्म से, मैं आप जाने अल्लाह जाने, मैं अपने ड्यूटी से अपने फ़र्ज से बरी जुम्मा हो जाऊँगा। तो सुन लीजिए, जो अंसारी साहब ने बताया कि आपने 24 घंटे में 5 मिनट अल्लाह ताला को सिर्फ याद करना है। याद ऐसे करना है जैसे खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब तुम अरफात से वापस आओ तो मुझे ऐसे याद करो जैसे आप अपने आबाओ अजदाद को याद करते हो मोहब्बत से। और इससे भी बढ़कर ये है अल्लाह का फरमान, आप टाइम मुकर्रर कर लें। उन्होंने अंसारी साहब ने फरमाया था ज़्यादा रात का टाइम, चूँकि उसमें साइलेंस होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होती। अगर आपको कहीं दिन में भी ऐसा मुयस्सर हो, आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम जगह का ऐसे होता है कि उसमें और हिकमत होती है। तो उन्होंने फरमाया कि मगरिब के बाद, इशा से पहले या बाद में, या रात को अगर उठते हैं, या फजर से पहले या बाद, जब तनहा हो और ख़ामोशी हो, डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी कंसंट्रेशन में फ़र्क ना हो। अभी मैंने एक ब्रिगेडियर साहब की वो ऑडियो भेजी, वो उन्होंने, मैंने उनको बताया था, उन्होंने उसको लिख के आगे कर दिया। मैंने फिर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने खुद उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाया। तो उन्होंने, अंसारी साहब ने फरमाया कि ना उसमें वज़ू की ज़रूरत है, ना टोपी की, ना तस्बीह की, ना मसल्ले की, बैठ जाए, यहाँ आप इजी फील करते हैं बड़े आराम से, और बिस्तर में है अगर बैठे हैं तो वहाँ बैठ जाएं, यहाँ कहीं भी, अगर लेटे हुए भी हैं तो यार कोई हर्ज नहीं। तो पहले तो अल्लाह ताला की तरफ आप मुखातब हो जाए, क्या है खालिक व मालिक, है हमारे परवरदिगार, ऐ साहब कायनात, तेरी ज़ात हक है, तेरी सफ़ात हक है, तेरे फरमान, तेरा कलाम हक है, तेरे फरमान हक है, तेरे रसूल हक है, जो तूने फरमाया वो हक है, तेरे दोस्त औलिया इकराम हक है। ऐ मेरे खालिक व मालिक, तूने खुद कलाम पाक में फरमाया, जिसको मैं चाहता हूँ अंधेरों से ले निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता हूँ। ही इज़ द ओनली एंड ओनली अथॉरिटी। अल्लाह अकबर। पैगंबरों को काम तो पहुँचा देना है पैगाम, वो उसने कितनी 20 दफ़ा कुरान में अल्लाह ताला ने हुजूर के, तुम्हारा काम नहीं है हिदायत देना, वो जिसको मैं चाहूँ, तुम्हारा काम है मेरा पैगाम पहुँचा देना, बस दैट्स ऑल, आपकी कोई और जिम्मेदारी नहीं। तो खुद फरमाया कि मैं जिसको मैं चाहता हूँ अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता हूँ, ये उसका कर्म है। उस कर्म की ख्वाहिश करें, आरजू करें बैठ के, ऐ खालिक व मालिक, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी तेरी चाहत रखता हूँ, मैं भी तेरा अरफान व मार्फत हासिल करना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, तूने जैसे मेरे पहले भाई बंदों को, पैगंबरों को, औलिया कराम को अपना कुर्ब व मार्फत अता फरमाई, अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू मुझे भी अपनी जान का वो हिस्सा बना ले, अल्लाह मुझे भी अपने दिल का टुकड़ा बना ले। देखो, जब
माँ का एक ही बेटा हो, माँ किचन में काम कर रही हो ना, हांडी बना रही हो, तो बेटा आके कहे माँ मुझे अपने दिल का टुकड़ा बना ले। माँ चूल्हा बुझाना बंद करना भूल जाती है, बच्चे को गोद में ले लेती है, उसका माथा चूमती है, सर चूमती है, गोद में ले लेती है, कहती है बेटा आप कहते हैं मुझे दिल का टुकड़ा बना ले, मेरे को 5 साथ हैं, तू अकेला ही तो है, तू दिल का टुकड़ा नहीं, तू पूरा ही दिल है। जब तुम ये आरजू करोगे उस खाले कायनात के सामने कि अल्लाह मुझे भी अपने दिल का टुकड़ा बना ले, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा मेरा कौन है तुम्हारे सिवा, वो भी ऐसे तुम्हें गोद में ले लेगा। माँ से अब बेहसाब अप टू बियॉन्ड द इन्फिनिटी वो मोहब्बत करता है अपने बंदे से, वो भी ऐसे ही जैसे माँ चूमेगी आपके गुमान में, आपको ऐसे ही वो गोद में ले लेगा, आपको चूमेगा और कहेगा मेरा कौन है तुम्हारे सिवा, मेरी ना बीवी ना बेटा ना बेटी ना मेरे शरीक ना कोई चाचा ना मामा ना फूफा ना कोई खालू ना मेरी खाला ना कोई, मेरा कोई भी नहीं, मेरी कौन सी मेरी तो आप ही मखलूक है, मैंने आपको पैदा किया, मैंने आपको बनाया, तुझसे बढ़कर मुझे कौन प्यारा है, मेरी तो जान ही आप है, मेरा तो पूरा दिल ही आप है। जब आप ये गुमान करेंगे ये ऐसे अल्लाह से बातें 2 मिनट करके, फिर अल्लाह को याद करना है जैसे उसने फरमाया, और याद करने का ये तरीका है कि देखो एक ऑब्जेक्ट होता है और बाकी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, अल्लाह जो ज़ात है और फिर उसकी सफ़ात है, फिर उसके अनवारात हैं, उसकी सफ़ात है, फिर उसकी पहचान है, फिर उसकी पुकार है, जिसे नाम हम अल्लाह ये कायदे कुरान मस्जिदों में लिखा होता है, अल्लाह की ज़ात का गुमान करके बियॉन्ड द नथिंगनेस बियॉन्ड द साइलेंस बियॉन्ड द डार्कनेस, उस गुमान को आपने पुख्ता करना है। मैं आपको ये बात फिर बता रहा हूँ, वही की है, वही चाबी है, उसकी ज़ात का गुमान करके आपने अल्लाह को याद करना। बैठे आराम से जब सांस हम इनहेल करते हैं लेते हैं तो उसको खींचते हैं ऊपर, कोई होता है आप मुंह बंद करके सांस नाक के ज़रिए सांस लेके देखे, हम ऊपर को खींचते हैं उस वक्त दिल जो है अल्लाह की ज़ात का गुमान करके अल्लाह कहे, और दूसरा ये गुमान करना कि उसका नूर जो है वो दिल से निकल कर उम्मल दिमाग तक चला गया। जैसे आप किसी झील में एक पत्थर फेंके तो पानी थोड़ा सा उबरता है और फिर झील में जा मिलता है, जब हम सांस छोड़ते हैं उसकी डायरेक्शन नीचे को होती है, उस वक्त भी दिल ने ही अल्लाह कहना है। दूसरा जो ये गुमान करना है कि जो अल्लाह का नूर मेरे दिमाग तक गया उम्मल दिमाग तक, वो वापस दिल में आ गया, ना अल्लाह की कोई शक्ल का गुमान करना है, ना नूर का भी किस रंग का है कैसा है क्या है, नहीं ऐसा नहीं गुमान करना, बस गुमान करना है सिर्फ आपने, उसको देखने की ज़रूरत नहीं, बाद में आपको पता चल जाएगा वो कैसा क्या है। तो ये आपकी फिर पेंडुलम की तरह उसकी ये बन जाएगी, जब दिल ने अल्लाह कहा तो फिर अल्लाह, और जब सांस लिया तो दिल ने अल्लाह कहा और उस गुमान करना कि उसका नूर दिमाग तक चला गया, जब फिर हम सांस छोड़ते हैं उसकी डायरेक्शन नीचे की होती है, उस वक्त दिल अल्लाह का है और गुमान करना कि अल्लाह का वो नूर जो है दिमाग से निकल कर दिल में समा गया। तो ये पेंडुलम की तरह वो दाएं बाएं घूमता है, ये आपका दिल से दिमाग, दिमाग से दिल, दिल से दिमाग, दिमाग से दिल, ये 5 मिनट आप इसी पैटर्न पे जिक्र करना है। बाद में एक दो दफ़ा बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से हजूर पर दुरूद भेज देना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की शफ़क़त मोहब्बत है। बस फिर आप पहले दिन ही देखना उस 5-7 मिनट के पहले आपकी क्या कैफियत थी,
और अब क्या है, इसी पैटर्न पे जिक्र करना। तो उन्होंने कहा कि एक वक्त मुकर्रर कर लो, जगह मुकर्रर कर लो, उसका भी वो यही है कि आप जब उस वक्त पे उस जगह पे जाके बैठेंगे तो वो टाइम भी अल्लाह का जिक्र करने लग जाता है, इर्द गिर्द की सराउंडिंग भी और वो जगह भी अल्लाह का जिक्र करने लग पड़ती है। आप अगर रोज़ जगह बदलोगे तो आपको कफ़ियत उसमें जाने के लिए देर लगेगी, अगर उसी जगह जाके बैठोगे तो फौरन आप 0 से 100 पे चले जाओगे। जैसे आप कहते हैं यार ये गाड़ी ऐसी है कि इसके एक्सीलेटर में पाँव रखो तो वो सुई 100 पे चले जाती है, हालांकि 100 पर सुई ले जाने के लिए 4 गियर बदलने पड़ते हैं दूसरी गाड़ियों के। तो ऐसे इस पैटर्न पे याद करना, फिर रात को सोने से पहले आप इसी पैटर्न पे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जिक्र करते सो जाओ। फिर दिन को भी जब आपको मौका मिले, बिल्कुल तनहा हो, बिल्कुल कोई काम ना हो या फ़र्क हो या सस्ता रहे हो, तो इसी पैटर्न पे 2 मिनट 4 मिनट ऐसे ही अल्लाह को याद करना। पहले पहले तो आप 24 घंटों में हार्डली आधा घंटा अल्लाह को याद कर सकोगे, कोई 5-7 मिनट ये हुए जो ख़ास, फिर रात को सोते हुए या सुबह को दोपहर को शाम को 2-4 मिनट मिल गए, कभी वहाँ मिल गए, ये फिर टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ये घंटे का हो जाएगा, 24 घंटे में 2 घंटे का हो जाएगा। सिर्फ 2-3 महीने की प्रैक्टिस से ये जो आपकी अल्लाह की याद है वो कल्ब के ज़रिए, दिल के ज़रिए, ये 24 आवर पे पहुंच जाएगी। जब 24 आवर आपका दिल अल्लाह को याद करता है इस पैटर्न पे, उसकी मायने ये हुए आपका साहबे कायनात से हॉट लाइन पर आप लिंक अप हो गए। जैसे जिस टेलीफोन से आप बात करते हैं, आपके पास सेल फोन होता है, उसका अपने हेड ऑफिस से 24 आवर का लिंक है, भला हम उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। ऐसे ही आप 24 आवर उस साहबे कायनात से लिंक हो गए, फिर साहबे कायनात जो है वो आप पर शफ़त फरमा के एक एक हजाब दूर करता जाएगा। आपको क्या नज़र आएगा, आपकी ये रूह की कैसी इंटेंसिटी है, कैसी उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस लिहाज से आपको उसका नज़र आता जाएगा। तो इसको बयान नहीं किया जा सकता कि कैसे आए क्या नज़र आए, तो उसको मुख्तलिफ, हर आदमी की फ्रीक्वेंसी रूह की मुख्तलिफ होती है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। जब आप इस पैटर्न पे अच्छा आपका हो जाएगा, फिर आप किसी चीज़ को देखते हैं बाहर, फूल को, परिंदे को, दरख्त को, किसी चीज़ को भी, तो उसमें आपको अल्लाह की झलक नज़र आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते आपकी वो सूरत आएगी, वो चीज़ दरमियान से गायब हो जाएगी, अल्लाह ताला की मार्फत अरफान हासिल होना शुरू हो जाएगा। ये है वो पैटर्न, वो की जिसके मतलब अब्दुल कीम अंसारी साहब में 2-3 सफ़े भेजे भी हुए हैं कि अगर 3 माह आप इस पर ऐसे ही इसी पैटर्न पे अल्लाह ताला को याद कर लो तो आपकी रूह में ये सफ़ात, लास्टली उन्होंने लिखा कि आप अर्श अजीम तक आपकी रूह परवाज़ कर सकती है। जब आप अर्श अजीम तक आपकी रूह परवाज़ कर सकती है तो आप कायनात में भी एवरीवेयर हो जाएंगे, टाइम एंड स्पेस आपके कंट्रोल में होगा, उस वक्त आप सही मानों के अल्लाह के वॉइस राय हैं कायनात के। जैसे उसने फरमाया मैंने तमाम कायनात तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है, तब जाके आपकी उस कायनात पे कमांड हासिल होगी, जो आप कहेंगे कौन कहें दो फाजा कौन हो जाएगी, इसमें कौन सी मुश्किल सी बात है। ज़रा 2-3 महीने इस पैटर्न पे अमल करके तो देखो, ये 2 है, वो जो 2 × 2 मैंने फार्मूला लिखा ना कि 2 × 2 = 4, ये उसका 2 है। जो अगला 2 है मैं कल या परसों बताऊंगा, क्योंकि वो 2 का होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो 2 0 होगा तो रिज़ल्ट 4 कभी नहीं आ सकता, भला आप 80 साल इसी पैटर्न पे अल्लाह को याद करते रहे। क्योंकि दूसरा 0 होगा तो 2 × 0 इज आंसर 0 आएगा, रिज़ल्ट 0 होगा। जब वो दूसरा पैटर्न पर आपको बताऊंगा कि वो 2 क्या है, उसको साथ लेके चलना है, फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो 4 हो जाएगा। जैसो ये आपके पास जिस सेल फ़ोन है, इसके 2 ऐप बहुत मजबूत होने चाहिए, तब आप दुनिया में कहीं भी किसी इंसान से बात कर सकते हैं। इसकी बैटरी
फुल होनी चाहिए, चार्ज फुल होना चाहिए और इसमें बैलेंस होना चाहिए। अगर बैटरी आपकी फुल चार्ज है, बैलेंस ज़ीरो है, तब भी आप किसी से रابطہ नहीं कर सकते। अगर बैलेंस आपके 5000 है और बैटरी ज़ीरो हुआ, तब भी आप किसी से रابطہ नहीं कर सकते। जब आपकी बैटरी और चार्ज जो क्या है उसमें लोड जो है वो पूरा होगा, तो तब आप दुनिया के जिस नुकरे पे चाहें, जिस टिकर पे चाहें, किसी से भी आप बात कर सकते हैं और आसानी। यही ये आप समझें कि कितनी बड़ी ये मार्फत की लाइन है। वो टू इंशाल्लाह मैं कल परसों बताऊंगा, तो फिर आपका वो फार्मूला पूरा हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाई टू इज़ इक्वल टू फोर। थैंक यू, जजाकल्ला।